कांग्रेस की सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी हीन सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया था। पूरे देश में यहाँ दलितों आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। खासकर समाजवादी पार्टी के बारे में ये मालूम है, पार्लियामेंट और असेंबली का चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी का रवैया टिकट देने के मामले में किस प्रकार का होता है ये हिंदू भी जानते हैं और मुस्लिम समाज के लोग भी जानते हैं। वैसे आप लोगों को मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। संबल में मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है, हमने मुस्लिम को टिकट दिया लेकिन वहां पर सुनने के लिए ये आता है कि मुस्लिम समाज में तुर्क और अपर कास्ट ये दो बड़ी जातियां हैं लेकिन वहां पर जिनकी तादाद ज्यादा है उनको मौका नहीं मिलता है लेकिन हमने संबल से इस बार उनको मौका दिया है। तो ये सब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि टिकट देने के मामले में हम किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करते हैं, जिसकी जितने जिसकी जो भी भागीदारी बनती है हम उनको देते हैं। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से या लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। वैसे आप लोगों को ये मालूम है, दूसरे पार्टियों के बारे में ये मालूम है, खासकर समाजवादी पार्टी के बारे में ये मालूम है, पार्लियामेंट और असेंबली का चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी का रवैया टिकट देने के मामले में किस प्रकार का होता है ये हिंदू भी जानते हैं और मुस्लिम समाज के लोग भी जानते हैं। और ज्यादातर देखने में ये आया है कि जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है, जिस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है और हिंदुओं की आबादी कम होती है तो वहां पर समाजवादी पार्टी हिंदू को टिकट देती है और जहां पर हिंदू आबादी ज्यादा है और मुस्लिम आबादी कम है वहां पर मुस्लिम समाज को टिकट देती है। ये है चरित्र समाजवादी पार्टी का। केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी हीन सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों दलितों आदिवासियों पिछड़े वर्गों मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया था और सरकार ने तो ये व्यवस्था बिल्कुल ही खत्म कर दी गई थी।
साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों में ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण कर दिया है। विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों के लिए बनी रही है। इतना ही नहीं बल्कि इनकी सरकारों में दलित व पिछड़े वर्गों की तथा इनके मसिया परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की भी हर मामले में हर स्तर पर काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है, जिसके कारण ही पिछले कई वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, उनके सहयोगी दल सत्ता से बाहर हुए और फिर इसके स्थान पर तो पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों, कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है। चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है। आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी जाती है और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नहीं चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गलती आदि काम में आने वाली नहीं है। इनकी नई नई आए दिन गारंटी आप लोगों के सामने आ रही है। ये सब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं मेहनत कश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा इनको इन लोगों को अनेकों हवा हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो इनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग एक चौथाई हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यह इनके अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धरना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने में व बचाने में ही लगी रही है। जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा
बम की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपने विभिन्न काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं, जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है।